हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज का प्लान ये है कि ब्लड डोनेट करना है। पूरा प्लान मैं आपको बताता हूँ। तीन चार दिन पहले की बात है, आई कॉल्ड अ फ्रेंड और मैंने उससे पूछा कि कहाँ है, तो शी सेड कि ब्लड डोनेट कर रही हूँ। लड़के ज़्यादातर ब्लड डोनेट करते हैं, मेजॉरिटी, बट गर्ल्स ड्यू टू सम रीजंस ब्लड डोनेट नहीं कर पाती। तो मैंने उससे पूछा कि वाओ, क्या प्रोसेस है इधर का, क्या है, क्योंकि इंडिया में आई हैव डोनेटेड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, बट इधर आके ऑस्ट्रेलिया में आके मुझे समय नहीं मिला और इट समहाउ स्किप्ड माय माइंड। तो मैंने सोचा कि ओके, लेट्स डू दिस। बेसिकली द प्रोसेस इज, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया, देन दे कॉल्ड मी। उन्होंने पूछा सब जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो कि हैव आई बीन आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिंस लास्ट 5 months और नॉट, फिर मैं यूके में रहा हूँ कि नहीं, मेरा वेट कितना है, हार्ट डिजीज़ कोई हेल्थ इश्यूज़ है या नहीं है, मेडिकल प्रोसीजर्स प्लान है या फिर पहले हुए हैं या नहीं है, ये सब जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछे। एंड देन फाइनली दे डिसाइडेड कि ओके, आई एम एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। फिर भी अभी भी मैं अगर वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे जाके फिर मेरे पहले जो प्री डोनेशन प्रोसेस होता है, मेरा वेट चेक होगा, हीमोग्लोबिन चेक होगा, सब कुछ होगा, वो सब चेक करेंगे। देन आफ्टर दे विल डिसाइड ओके इफ आई एम एलिजिबल टू डोनेट ब्लड और नॉट। बट आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्लड डोनेशन या फिर कुछ भी हो, उससे पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी प्लस कोई भी जूसेस आप पी लीजिए। जैसे मैंने रात को लेमन जूस पिया, अभी आई विल हैव ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस। So this is Agastya. How's the feeling? Bit nervous. This is my first time plasma donation in Australia. I have donated blood earlier in Don't Go Down. I donated my blood in India 4-5 times. So, let's see what happens. How are they gonna take my blood? This is where they are gonna take it. इधर इधर काना पाड़ेंगे, इधर इधर काना पाड़ेंगे, ऐसे घोचेंगे फिर, और हम बस राह देख रहे हैं कि नर्स कैसी होगी। नर्स के ऊपर है सब कुछ, अच्छी होगी तो डोनेशन अच्छा रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडियंस विल बी इंडियंस। मिलते हैं सीधा ब्लड बैंक। ये है ब्लड बैंक जहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है, और यहाँ हमारा वज़न किया गया, उसके बाद पानी दिया गया पानी पीने के लिए, फिर ये जो फॉर्म है ये हमें पढ़ के साइन करना है, उसमें सब लिखा हुआ है। ये कुछ 42 क्वेश्चंस थे जो मैंडेटरी थे, इनके आंसर्स हाँ या ना या फिर जो भी उसके सूटेबल आंसर्स है वो हमें देने थे। वो प्रोसेस होने के बाद हीमोग्लोबिन चेक हुआ, उसके बाद वापस से कुछ क्वेश्चंस किए गए कोविड रिलेटेड, देन हमें लाया गया इधर। ये वो सेंटर, वो जगह जहाँ पे हमारा प्लाज्मा कलेक्ट होगा। जैसे कहा था कि ब्लड टेस्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट्स, तो ये मैडम जो है वो मेरे ब्लड सैंपल्स इसीलिए ले रही हैं क्योंकि तरह तरह के उस पर अलग अलग डिजीज़ के टेस्ट होंगे, उसके बाद
दे विल डिसाइड कि मेरा प्लाज्मा या फिर ब्लड किसी को डोनेट करने लायक है या नहीं. जूस प्लीज. एप्पल. सो ये देख रहे हैं आप ये मशीन. अब जूस तो मुझे दे दिया गया. ये जो येलो लिक्विड देख रहे हैं वो एक्चुअली मेरा प्लाज्मा है. पूरा ब्लड निकल रहा है, फिर सब कुछ फिल्टर होके प्लाज्मा सेपरेट होके ब्लड वापस बॉडी में आता है. तो ये प्रोसेस मतलब पहले ब्लड निकलता है, प्लाज्मा सेपरेट होता है, उसके बाद जो रिमेनिंग ब्लड है वो बॉडी में वापस जाता है. अब मेरे बॉडी के वेट के हिसाब से मेरे बॉडी में से 672 ml प्लाज्मा सेपरेट होगा. मतलब उतना ब्लड लेंगे उसमें से उतना प्लाज्मा सेपरेट होगा, बाद में वो ब्लड वापस बॉडी में जाएगा. बोरिंग है बहुत. सो ये सलाइन जो है वो बॉडी में अंदर जा रहा है. सलाइन और ये एंटीकोगुलन लिक्विड. ठंड लग रही है भाई साहब, ठंड लग रही है. तो सलाइन और एंटीकोगुलेंट क्यों देते हैं? सलाइन इसीलिए कि एकदम से बॉडी के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड या फिर प्लाज्मा जो भी चीज़ कम होती है बॉडी में से तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होते हैं, तो सलाइन के थ्रू थोड़े से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. एंटीकोगुलेंट लिक्विड इसीलिए कि जब ब्लड इतनी तेज़ी से आपकी बॉडी में से निकलता है और फिर उतनी ही तेज़ी से वापस आपकी बॉडी में जाता है तो चांसेस हैं कि गैप्स हो सकती हैं वेंस में और क्लॉट हो सकते हैं. तो वो क्लॉट्स ना हो इसीलिए एंटीकोगुलेंट लिक्विड भी उसके साथ साथ चढ़ाते हैं. और ये दोनों चीज़ें जब एक साथ बॉडी में एंटर होती है, उसके अलावा ब्लड इतनी तेज़ी से निकलता है फिर वापस जाता है, तो उसके साथ साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है. सो आफ्टर 50 मिनट्स ये प्रोसेस ख़त्म हुआ. बाद में हमको खाना दिया गया, उसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब ऑप्शंस थे. कॉफ़ी, मिल्क, टी, मिल्क शेक्स, चीज़, बिस्किट्स, सब कुछ. सो अगस्त्य कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नर्स में पुरुष आदमी थे मेरे साथ, अफसोस वही है. अब आज़ादी मिलेगी. गाइस ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि प्लाज्मा डोनेट करने से 18 अलग अलग बीमारियों की ट्रीटमेंट हो सकती है. और ट्रस्ट मी ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. और द गुड न्यूज़ इज़ दो दिन पहले ही मुझे मैसेज आया कि मेरा जो प्लाज्मा मैंने डोनेट किया था वो किसी ज़रूरतमंद को जा चुका है, उसके शरीर में एंटर हो चुका है. तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी. वो सुबह मुझे मैसेज आया था. तो मास्क चैलेंजेस अभी एक नया स्टार्टअप आइडिया है. ये जो अंधेरा कोहरा छा जाता है ना चश्मे पे वो नहीं आए, वैसा मास्क बनाओ. है मैं थोड़ी बनाऊँ, मैं इतना होशियार रहता तो. अगस्त तू है हूँ चश्मा बनाई वाइपर वाला. वेल ये सब तो बात हो गई. ब्लड डोनेट करने के बेनिफिट्स. हाँ, सबसे पहला इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन. एक अच्छा काम करने की जो भावना होती है ना वो मन में आती है, विच आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया है. और आई एम श्योर अगर आप ट्राई भी करें तो आपको होगा. सेकेंड चीज, आपका ब्लड प्योरीफाई होता है. तीसरी चीज, ब्लड कैंसर के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं. चौथी चीज, आप एक ब्लड के यूनिट से 3 जिंदगी बचा सकते हैं. मैं बताता हूँ कैसे. ब्लड के बेसिकली मेजर 3 कंटेंट्स होते हैं, 4 भी कह सकते हैं, बट 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कंटेंट प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा. दूसरा इज रेड ब्लड कॉर्पसल्स RBC. तीसरा इज व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स WBC और प्लेटलेट्स. सो ये पूरा एक ब्लड का यूनिट 350 ml यूजुअली होता है. तो ये पूरे एक पूरा एक यूनिट एक इंसान को जा सकता है, या फिर 3 अलग अलग सेपरेट चीज़ें करके, जैसे प्लेटलेट्स अलग कर दिए, प्लाज्मा अलग कर दिए, RBC WBC अलग कर दिए, वो अलग उसमें जा सकते हैं, अलग अलग इंसान को डोनेट हो सकते हैं. तो बेसिकली आप एक ब्लड के यूनिट से 3 जिंदगियां बचा सकते हैं. और बेनिफिट्स हैं कि आपकी कैलोरीज बर्न होती है,
फिर आपका एक फ्री में ब्लड टेस्ट और कुछ जो बीमारियां हैं मेजर उनका टेस्ट हो जाता है फ्री में. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग बिकॉज उसमें क्या है कि आपका ये जो ब्लड यूनिट ये लोग लेते हैं उसको पहले सब कुछ टेस्ट होते हैं, जो मैंडेटरी टेस्ट हैं वो टेस्ट होते हैं. उसके बाद दे डिसाइड कि ओके ये ब्लड डोनेट करने लायक है या नहीं, किसी के बॉडी में जाने लायक है या नहीं. और एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्लड प्लाज्मा या फिर डोनेशन सबसे ज़्यादा हेल्प किसको करता है मालूम है? जिनको थैलीसीमिया मेजर या फिर ब्लड कैंसर होता है या फिर जो डायलिसिस पे होते हैं उन लोगों को. क्यों? क्योंकि उनको रेगुलर इंटरवल्स पे अपना पूरा ब्लड चेंज करवाना पड़ता है. वेल, ये सब क्यों किया? वेल, मेरा एक रीजन है कि कोई भी इंसान यूजलेस नहीं होता. और आई बिलीव कि अगर मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं मेरे एक ब्लड के यूनिट से या फिर प्लाज्मा के यूनिट से किसी की ज़िंदगी बचा सकता हूँ, तो उससे अच्छी और खुशी वाली बात मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं आई. कोरोना की वजह से या फिर बहुत सारी बीमारियों की वजह से या फिर नॉर्मल एक्सीडेंट्स की भी वजह से लोगों को खून की ज़रूरत पड़ती है. और आज की तारीख में भी दुनिया में बहुत शॉर्टेज है ब्लड डोनर्स की. इस वीडियो के माध्यम से अगर 100 में से एक बंदा भी ब्लड डोनेट करता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है. दो चीज़ें करनी है. पहला कि हैशटैग करके देखो, करके देखो अच्छा लगता है. और आप या फिर आपके जान पहचान में कोई भी केपेबल इंसान है जो ब्लड डोनेट कर सकता है उनको नॉमिनेट करो. इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हम लोग बहुत सारे ट्रेंड्स चलाते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा लिया, साड़ी फिल्टर लगा लिया, ट्रेडिशनल फिल्टर लगा लिया, नो मेकअप फिल्टर लगा लिया, सब कुछ कर लिया. एक बार ये चीज़ करके देखो, आई नॉमिनेट सो एंड सो टू डोनेट ब्लड. और मैं ये नहीं कहता कि करो, एक बार डॉक्टर के पास या फिर को क्लिनिक लेबोरेटरी जाके गेट योर सेल्फ चेक्ड. एक विजिट से इतना मालूम पड़ेगा कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है. तो ये चीज़ एक बार करो, हैशटैग करके देखो और शेयर करो, नॉमिनेट करो. और हाँ, अगर आप जाते हो तो पिक्चर शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्पायर करने के लिए एग्जांपल सेट करना ज़रूरी है. तो आई होप ये वीडियो पसंद आया. पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो. शेयर तो करना ही करना है. इंस्पायर लोगों को अगर करना है तो शेयर तो करना ही करना है. और कमेंट हैशटैग करके देखो, ये तो करना ही है. ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं.